भाई जान लग रही है गाड़ी की आज पूरी, जानते जानते पीछे जानते। और भाई यहाँ ना हर आपको हर मोड़ के बाद एक नया व्यू मिलेगा। इतना पॉन्ड है ना, इससे पानी निकल रहा है सरफेस द्वारा, तो ये पानी ही यहाँ अपना पूल में जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। तो अभी हमारी हालत बहुत टाइट है, कल सिर्फ 2-3 घंटे सोए हैं। तो अभी उत्कर्ष का फोन आया, वो आ रहा है, तो आज अभी सल्फर पॉन्ड में आने लगे। तो गाइस उत्कर्ष आ चुका है, अब चला जाए सल्फर पॉन्ड, देखते हैं क्या सीन रहता है। हाँ जी, क्या हाल है? ब्लॉग भी बना लिया जाए। रायपुर के पास, तो यार ये जगह तो पहले ही काफ़ी लोग जा चुके हैं, जितने लोग बचा नहीं है इसमें दिखाने के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, अगर होता है तो दिखा दूँगा आपको। वैसे रास्ता वगैरह तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉग्स में कवर हो चुका है ये चीज़, क्योंकि एक्सप्लोर हो गई थी पिछले साल ही लोकेशन। तो देखते हैं कैसी लोकेशन है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ अभी, और उत्कर्ष भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, तो देख लेते हैं कि कैसी लोकेशन है और कैसी रहता है। यूट्यूब चैनल भाई, बहुत ही अमेजिंग नज़ारे हैं, अभी दिखाता हूँ यार। तो ये देखो फुल वॉल सेट हो रहा है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बस थोड़ी सी डेंजर है जैसे कि ये पहाड़ पूर्ण है, बारिशों में तो नहीं आना, पर बहुत लंबा पैच है यार ये ऑफ रोडिंग का भी, देखते हैं दिखाऊंगा अभी पूरा। भाई जितनी नींद थी ना सब उतर गई आज, इतने बढ़िया नज़ारे हो रखे हो, पानी बहुत ही ठंडा हो रखा है, बहुत ठंडा तो नहीं मतलब बढ़िया हो रखा है। भाई अब उत्कर्ष कह रहा है कि अब वहाँ जाएंगे तो नहाएंगे, अब उत्कर्ष तो फुल तैयारी हुई है, फुल तैयारी है, मतलब बस सब कपड़े कुपड़े सब लेकर आए, और मैं भयंकर चलते उठा, चप्पल पहनी और बस चल दिए हम, अब देखेंगे नहाएंगे तो आइए पहुँचेंगे तो। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है ये रास्ता। तो भाई ये जो ऊपर जा रहा, ऊपर जा, धन्यवाद जी। तो भाई अगर सल्फर पॉन्ड आओ तो ये रास्ते में मत भटकना, ऐसे हम भटके बोर्ड भी, हाँ अब बोर्ड तो क्या ही लगाएगा बंदा, बंदा है क्या भयंकर, बताने नहीं लगूंगा ना हो यार। भाई ये जो दो खंबे है ना, ये साले रास्ते में मत घुसना। इतने बड़े पुल्स लगे हैं, इस रास्ते में नहीं जाना है। ये जो ये हरे रंग की झोपड़ी है, इसके बगल रास्ते पे जाना है आराम से।
बस ये खम्भों की तरफ तुम्हें नहीं मुड़ना है, ये समझ के चलना भाई अगर आओगे तो। ये झोपड़ी वाले रास्ते के बगल से जाना है तुम्हें। माउंटेन ड्यू पीना चाहिए जी। बहुत जरूरी है ये चीज हमारे लिए आज। वैसे आरोप नहीं हो सकता। रुक जाता है, गहरा भी है, ये गहरा भी है, मस्त है, गहरा भी है। हाँ, भाई बहुत बहुत ही मस्त लग रहा है रे पानी तो, और गहरा भी काफी है। रास्ते में मस्त नजारे, बहुत ही सुंदर है भाई। और मछली भी है, पता नहीं तुम लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है। पानी पानी बहुत यार, इसमें भी नहा सकते हो ऐसे चाहो तो। भाई पानी ना बहुत ही ज़्यादा साफ है भाई, क्या बताओ तुम लोगों को, बहुत साफ पानी है। मतलब खुद ही देख लो यार, पत्थर वगैरह बिल्कुल आराम से दिख जा रहे हैं। और ये जो जगह है रास्ते में, ये काफ़ी मतलब गहरा भी है पानी, तो अगर सल्फर पॉइंट का यहीं ना लो अगर ज़्यादा चाहो तो। काफ़ी गहरा पानी है, बढ़िया लोकेशन तो देखो यार, क्या व्यू है यहाँ के भाई। हार्डवर्क देखो लोगों में, यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं भाई, जिस तरीके से वो लड़के ने क्रॉस किया रहा, इतना सामान धो के मानना पड़ेगा, इसको नॉर्मल चलना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी तो। खतरनाक हाल है भाई, खतरनाक सीन है, मज़ा आ गया भाई। ये पानी बहुत ही साफ है, मतलब ये वाले एरिया में थोड़ी काई है, पर वो जो बिल्कुल झरने के पास है, बहुत ही साफ पानी है और बहुत ही सुंदर जगह और गहरा होगा। लो भाई आ तो गए हैं पंगे लेने। नजारे देखो तुम भाई, स्लाइडर्स में बड़ी दिक्कत है यार, पैर आके निकल जा रहा बहुत ही सेक्सी है यार। जब सारे नेटवर्क साथ छोड़ जाए तब आता है काम कारवान। मस्त पुराने गाने के मजे आज। बे सल्फर पॉइंट कितना दूर है?
सिर्फ चार। बस बस कोई नहीं, आते हुए आते हुए खाते, ठंडा पड़ा आते हुए आते हैं। हाँ हाँ काफी है। यहाँ पे हर मोड़ के बाद आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा, बहुत ही सेक्सी व्यू। मतलब देहरादून के होने के बाद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ पहाड़ों को। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ गंदगी नहीं है, तो जो भी यहाँ आ रहा है भाई अपनी गंदगी अपने साथ लेकर जाओ। जो भी आप कुरकरे के पैकेट्स कुछ भी लाते हो तो अपने साथ वापस लेकर जाओ, उन चीज़ों को यहाँ फेंको मत। जो कचरे की बात कर रहा था मैं यही कर रहा था, ऐसे बॉटल्स वगैरह मत फेंका करो भाई पानी पूनी के अंदर, अपने साथ ले जाया करो। और यहाँ मछलियाँ मस्त एकदम बढ़िया। भाई ये चीजें कैमरे में नहीं कैप्चर हो सकती है, नहीं हो सकती। बहुत ही मस्त व्यू है, बहुत ही प्यारी जगह है। बस ये है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा रिस्की है, थोड़ा रिस्की। सब रेनी सीजन में बिल्कुल नहीं आना यहाँ पे भाई, सही में मतलब ही नहीं है भाई आने का, सोच रहे हैं मत बारिशों में, तो यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होंगी। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, अभी गर्मियों में आ सकते हो आना चाहो तो। और जैसे मैंने कहा अपना गंद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ भाई, साफ सफाई का ध्यान रखना। लाओ ले ले। आज आज आंदो आंदो भाई, एक तो बज रही है ना तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। एकदम खींचो आग ऐसे में डाल थोड़ा। हाँ आ जा, सीधा निकाल दे निकाल दे। भाई अगर किसी को अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग करनी है ना भाई, ले आओ यहाँ गाड़ी है खतरनाक सीधा। ये एक रीज़न है कि मैं मना कर रहा हूँ कि भाई बारिश में मत आना, क्योंकि यहाँ पहाड़ ऐसे हैं लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होगी। दोबारा फंस गई है, कर ले पीछे कर ले। राम से राम से राम से राम से राम से राम से, चलो खींचो खींच ले अब। एक सेकंड में देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। भाई जान लग रही है गाड़ी की आज पूरी, जान दे पीछे जान दे और जान दे। ये जो बीच में पैच है ना यहाँ पे, ये वाला जो पैच है ये, इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ है बजरी, तो टायर ग्रिप पकड़ने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है। थोड़ी सी रहेगी, कर पीछे कर पीछे, तो उसे दबा दिया नीचे। अंदर अंदर घिसा मत, ले जा पीछे ले जा फिर से। टायर में से मस्त स्मेल आ रही है अब जलने की, ले जा बिल्कुल पीछे ले जा मोड़ तक। रुक रुक पत्थर है पीछे, पत्थर है पीछे। रुक जा जान दे ना जान दे। आ जाओ तुम लोग आ जाओ,
आ जाओ भाई आ जाओ, रंद रंद रुको यार, अब मैं ट्राई करता हूँ। लो भाई पहुंच गए सल्फर पॉइंट, गाड़ी भी पहुंचा दी। काफी भीड़ है, भीड़ तो काफी नहीं, मतलब सही है, प्यारा हो रखा है माहौल। तो भाई इस ये जो पॉन्ड है ना, इससे पानी निकल रहा है सरफेस द्वारा, तो ये पानी ही यहाँ अपना पूल में जाता है और यही पानी आगे गांव में भी जा रहा है, और ये नेचुरली इसमें पानी आ रहा है जहाँ बीच में आपको वुल्स दिख रहे हैं, तो यही पानी निकल रहा है इसमें। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, पर व्यू बहुत मस्त है। इस पानी का टेस्ट भी थोड़ा अलग है नॉर्मल से। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये आ रही है लोकेशन, बहुत प्यारी है, आओ डू विजिट दिस प्लेस, एंजॉय करो आके, पर थोड़ा अपना ध्यान रखना आते हुए क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, पानी का टेस्ट थोड़ा कड़वा है शायद सल्फर की वजह से, पर बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और एक तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, अपना पार्क करो गाड़ी और मस्त ना हो, और सब बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आके आप अपना जो भी सामान लेकर आओ साथ, वो अपने साथ वापस लेकर आना, चिप्स के पैकेट और वो सब,